आईटीएफ, आईटीएफ मतलब इंडियन पेटेंट स्टोन है ना, तो कैरी आउट ऑफ इन आईटीएफ इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में अर्थ फ्लोरिंग का काम करना, हिंदी में हो जा रहा है। तो फर्ज करने से पहले क्या करेंगे, 300 एमएम तक हम पहले मिट्टी भरेंगे, कितना भरेंगे 300 एमएम। इसके बाद क्या करेंगे, 20 से 30 एमएम बालू डालेंगे, मिट्टी भरेंगे, मिट्टी बराबर कुटाई करने के बाद बालू डालेंगे, बालू कुटाई करेंगे, फिर हम 75 एमएम क्या डालेंगे, छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा, लाल हाँ ब्रिक बैट कोबा बोलते हैं, लाल रोड़ी बोलते हैं जो, तो उसको कितना डालेंगे 75 एमएम। उसको डालने के बाद उसको बराबर से धुरमुस लेके कुटाई कर देंगे, जैसे अभी अभी किए हैं इस तरह। इसके बाद फिर उसमें हम फर्श बनाना स्टार्ट करेंगे, 75 एमएम का ढलाई करेंगे, ठीक। उसमें पहले क्या करेंगे, कांच बधाई करेंगे, आईपीएल मतलब है कांच का बधाई करना। तो कांच क्यों बांधते हैं, कांच इसलिए बांधते हैं ताकि हमारा फर्श फटे ना, अगर यदि फटता है तो हमारा जो कांच का खाना रहता है, तो एक खाना फटेगा तो उसको हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, निकाल के दूसरा डाल कर सकते हैं, हाँ यानी कि दूसरा हमारा सेफ रहेगा। अगर कांच नहीं डालते तो पूरा हमारा लाइन पकड़ लेगा, कौन सा कांच सर, कांच बधाई होता है फर्श का है? तो उसमें क्या करते हैं, कांच कितना एमएम का दूरी रहता है, 600 एमएम का, 600 एमएम का दूरी रहता है कांच का, और उसका चौड़ाई पट्टी कितना रहता है, 40 एमएम, और 4 एमएम मोटाई रहता है। उसको कांच को कैसे लगाएंगे, नाप के 600 एमएम दूरी में लगाएंगे, ऐसे कांच लगा दिए, ऐसे कांच लगा दिए, चार खाना बना दिए, चार खाना में उसको ढलाई किस हिसाब से करेंगे, पहले एक खाना में डालेंगे एक नंबर में, दो नंबर छोड़ के तीन नंबर में डालेंगे, यानी एक खाना छोड़ के एक खाना में कंक्रीट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम कांच बांध लेते हैं, अगर हम दोनों को साथ में ही डाल देंगे तो एयर बना के हमारा कांच फट जाएगा, चिटक जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए एयर निकलता रहेंगे, क्योंकि अगर हम कांच बना देंगे दूसरे खाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक खाना में डालेंगे, एक नंबर में डालेंगे, उसको छोड़ के दूसरा नंबर तीसरा नंबर में डालेंगे, जब वो हमारा सेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे, कितना डालेंगे 75 एमएम। उसका रेशियो क्या रहेगा, रेशियो जैसे कंक्रीट मिक्सिंग बताए ना आईपीएस का, 1:4:8 का, एक आपका क्या रहेगा, सीमेंट और 8 छर्री रहेगा, ठीक। इस तरह का हम क्या करेंगे, आईपीएस फ्लोरिंग हमारा तैयार करेंगे, फिर उसको जब प्लास्टर करेंगे तो 1-2-4 का मसाला तैयार करेंगे, फिर उसको करेंगे चिकना। इस तरह के क्या हो गया हमारा आईपीएस, आईपीएस का मतलब अगर इंडियन पेटेंट स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, पत्थर की तरह है ना, तो इसको तैयार करते हैं आईपीएस फ्लोरिंग। तो कांच बांधने का तरीका पता है ना, किस तरह कांच बांधा जाता है, उसका दूरी 600 एमएम होता है, चौड़ाई उसका होता है 40 एमएम, और मोटाई होता है 4 एमएम। कांच 3-4 प्रकार के आते हैं है ना, प्लास्टिक का भी एक आता है पट्टी, और ये कांच आता है, कांच कहीं बांधे हैं आप लोग क्या, देखे हैं, तो कांच इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारा फर्श सेपरेट रहे है ना। अगर मान लीजिए फ्लोरिंग में कभी काल क्या दरार आ जाता है, दरार आता है, कहीं दब जाता है, दब जाता है कहीं कुछ, तो जब कांच हमारा रहेगा तो उस पार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो कांच का, उस पार इस पार ही रहेगा, तो हम वो खाना को उखाड़ के फिर से दोबारा रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक समझ में आ गया।